डॉन दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी कर ली है। दाऊद की दूसरी पत्नी पाकिस्तान की रहने वाली और पठान परिवार से है। ये खुलासा खुद दाऊद इब्राहिम के भांजे अलीशाह पारकर ने किया है। अलीशाह दाऊद की बहन हसीना पारकर का बेटा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी निया ने अंडरवर्ल्ड टेरर फंडिंग मामले में अलीशाह से पूछताछ की, तब उसने कई राज उगले। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में अलीशाह के बयान को एक गवाह के तौर पर संलग्न किया है। अलीशाह के एनआईए को दिए बयान के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने अलीशाह बताया है कि उसने दूसरी शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी महजबीन को तलाक तक दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दाऊद इब्राहिम की पत्नी महजबीन से उसकी मुलाकात जुलाई 2022 में दुबई में हुई थी, तब उसे ये बातें पता चली थी। अलीशाह के मुताबिक दाऊद खुद किसी से सीधे संपर्क में नहीं रहता, लेकिन उनकी पत्नी महजबीन हर त्योहार और मौके पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए भारत में मौजूद परिवार के सदस्यों से संपर्क कर हालचाल लेती रहती है। अलीशाह ने दाऊद के पाकिस्तान में नए ठिकाने का भी खुलासा कर दिया। उसके मुताबिक दाऊद ने अपना पुराना ठिकाना बदल दिया है। अब दाऊद कराची के अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास डिफेंस एरिया में रहता है। एनआईए ने पिछले साल अंडरवर्ल्ड टेरर फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें छोटा शकील के साडू सलीम फ्रूट सहित तीन लोग गिरफ्तार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जम जम न्यूज इंडिया।